गुड मॉर्निंग दोस्तों, चेहरे पर मत जाइएगा। जस्ट अभी एक्सरसाइज करके चुकी हूँ मैं और स्वेटिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है इस टाइम। और वैसे मैं बता दूँ, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश वाला मौसम है। कल भी पूरा दिन बारिश का मौसम रहा, आज भी सुबह से बारिश का ही मौसम है, बल्कि कल रात बारिश बहुत तेज़ भी हुई है, सड़कें पूरी गीली हैं। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी ऐसे ही बज रहे हैं 1:30 के अराउंड, और मेरी सुबह की एरोबिक क्लास हो चुकी है। क्लास मैं यहीं से लेती हूँ, एक्चुअली इस जगह से ही, यहाँ से जो वो टेबल है ना, बीच वाली टेबल, बस वो मैंने हटा ली है। सेंटर टेबल जो यहाँ पे रहती है वो हटा लेती हूँ, तो ये एरिया काफ़ी सारा हो जाता है एक्सरसाइज करने के लिए, जगह कम नहीं पड़ती है, इतनी सारी जगह मिल जाती है मुझे एक्सरसाइज करने के लिए, तो अच्छे से हो जाती है एक्सरसाइज। और सुबह का टाइम है, अभी सुबह सुबह उठते ही मैंने वही अपना एक ग्लास नींबू पानी पिया था, और उसके बाद एक्सरसाइज करने लगी। एक्सरसाइज के बाद मैंने सोचा आप लोगों को हेलो बोल देती हूँ और आज का व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज का दिन कैसा रहने वाला है वो तो आप लोग व्लॉग में देखोगे ही। तो सबसे पहले तो चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि स्वेटिंग में अजीब अजीब सा लगता है। तो मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, सुबह सुबह सबसे पहले बेडशीट्स को झाड़ना, उन्हें क्लीन करना, अच्छे से अरेंज करना। एक बार वो अच्छे से अरेंज हो जाती है तो खुद को एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ, जो कमरा है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो गया है। हालांकि झाड़ू पोछा होने के बाद ही अच्छे से सफाई दिखाई देती है, लेकिन फिर भी एक होता है ना माइंड सेट कि अगर चीज़ें अगर जगह पर हों तो भी आपको घर जो है काफ़ी हद तक साफ दिखाई देने लगता है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैंने सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया है तो क्यों ना मैं इसे रात तक कंटिन्यू करूँ। तो आज पूरा दिन आप लोग मेरे साथ रहने वाले हो, और तो किस तरीके से मेरा डेली रूटीन रहता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। डेली एक्टिविटीज़ में अगर बात करो तो कभी कोई काम होता है तो कभी कोई काम होता है, काम तो चेंज होते रहते हैं लेकिन ऑलमोस्ट इसी तरीके से दिन गुजरता है। Some balance in my life, but I never really put up a fight. तो टाइम है अभी एक स्ट्रॉन्ग सी सुबह सुबह की चाय बनाने का, जिसमें अदरक वगैरह सब डालकर बना रही हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पर 2-3 दिन से, तो मौसम ठंडा ठंडा सा हो गया है। और ठंडे मौसम में या बारिश वाले मौसम में अदरक वाली चाय किसको पसंद नहीं होती, तो मुझे भी अदरक की चाय पीना वैसे भी पसंद है, और जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो मैं ज़रूर ही पीती हूँ। तो सुबह सुबह कशिश की तो हो जाती है क्लासेस स्टार्ट, और वो तो बैठ जाती है अपना लैपटॉप खोल के क्लासेस लेने के लिए। प्रशांत अपना ऑफिस का काम लेकर बैठ जाते हैं, तो वो अपना कहते हैं थर्ड रूम में रहते हैं जहाँ पर हमारा वर्किंग रूम है, तो वहाँ पर अपना काम करने लगते हैं। तो इस तरीके से दिन गुजरता चला जाता है, और क्या है कि घर के काम तो इतने सारे हैं कि जितना कर लो उतना कम है। तो सुबह की एक कप चाय कितनी एनर्जी देती है ना, तो बस एनर्जी तो मुझे मिल चुकी है, अब काम पर भी लग जाती हूँ। तो जो प्रेस से कपड़े होकर आए हैं वो मैं सारे के सारे अब अलमारियों में अरेंज करने वाली हूँ। मेरे नाइट सूट है, कशिश के नाइट सूट हैं। एक्चुअली हम लोग अपने नाइट सूट वॉश करने के बाद आजकल प्रेस वाले को दे देते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो नाइट सूट है ना, समर वाले स्पेशली ये कॉटन के हैं, तो जब वॉश करके ऐसे डायरेक्टली पहनते हो तो बहुत सिकुड़े सिकुड़े से लगते हैं, अच्छे नहीं लगते पहनने के बाद। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं ना कपड़े वाला, ये मैं ज़्यादातर कपड़े रखने के लिए यूज़ करती हूँ, आपने पहले भी मेरे व्लॉग में देखा होगा। तो मैंने नाइट सूट्स और नाइटी के लिए भी ये एक ऑर्गेनाइज़र ले रखा है, जिसमें सारे के सारे मैं एक साथ रखती हूँ, तो मुझे इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता, मुझे पता है कि मैं ये खोलूँगी तो इसी में मेरे सारे के सारे नाइट सूट मिल जाएंगे। आप में से कुछ लोग मेरे से नाइटी और नाइट सूट का कलेक्शन मांग रहे थे, लेकिन सच पूछो तो ना कभी कभी मैं शर्मा जाती हूँ इस टाइप का कलेक्शन दिखाने में, इसीलिए मैंने कभी डिटेल में आपको अपना नाइटी का या नाइट सूट का तो दिखाया हुआ है, लेकिन नाइटी का कभी कलेक्शन नहीं दिखाया। मेरे पास 7 पीस नाइटी भी हैं, 1 पीस भी है, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नाइटी हैं, लेकिन मुझे डिटेल में शेयर करने में थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, थोड़ी झिझक सी होती है, तो इसीलिए कभी शेयर नहीं किया है। और ये वाला जो मैं अभी नाइट सूट तय कर रही थी, ये ज़िवामे का था, और ज़्यादातर मेरे पास जो नाइटी हैं वो क्लोविया की हैं। क्लोविया की नाइटी मुझे अच्छी लगती हैं, और कपड़ा भी अच्छा रहता है, धुलने के बाद भी अच्छा रहता है, तो काफ़ी वैरायटी भी है, तो इसीलिए मुझे पसंद है।
इस टाइप की जो नाइटी होती है उनके साथ ज्यादातर कवर अप आते हैं, वरना एक दो कवर अप अगर आपके पास हैं तो आप बाकी सारी नाइटी के साथ भी पेयर अप कर सकते हो, क्योंकि ये वाले जो कवर अप होते हैं ये यूनिवर्सल टाइप होते हैं, ये किसी भी नाइटी के साथ चल जाते हैं और थोड़ा कंफर्टेबल भी रहते हो आप इनके साथ, क्योंकि आप इन्हें पहनकर थोड़ा सा रूम से बाहर भी निकल सकते हो। तो मेरा नाइट वेयर का ज़्यादातर जो कलेक्शन है वो है ज़िवामे का, क्लोविया का और उसके अलावा मैंत्रा का, या फिर मैं कभी मॉल वगैरह जाती हूँ तो मैक्स वगैरह है ना वहाँ से परचेज कर लेती हूँ, या लाइफ स्टाइल से। तो इसी तरीके से मेरा कलेक्शन बना हुआ है। कल का ब्लॉग था उसमें मैंने दिखाया था मुझे ये टेबल वगैरह क्लीन करनी है और मैं कान्हा जी को फिर मंदिर में बिठा दूंगी, तो मैंने मंदिर में तो कान्हा जी को बिठा दिया था कल ही, लेकिन ये टेबल क्लीन करना रह गया मेरे से, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा समय जाता तो मैंने छोड़ दिया था ये सोच के कि बाद में कर लूँगी। और फिर मैं हेयर कट कराने चली गई, हेयर कट करा कर लौटी तो खाना वाना बनाने में लग गई, रात हो गई तो फिर सो गई, तो आज नेक्स्ट डे है ही, तो आज चाहे जितना भी समय लगे आज तो इसे क्लीन करना ही है। त्योहारों से पहले भी काम होता है कि त्योहारों से पहले रहता है काम की प्लानिंग डेकोरेशन ये वो, और त्योहारों के बाद क्या काम रहता है क्लीनिंग तो कभी भी काम ना ख़त्म नहीं होते। तो कुछ लोगों ने मुझे सजेशन में दिया था कि पीताम्बरी से मुझे पीतल के बर्तन क्लीन करने चाहिए क्योंकि उससे काफ़ी चमक जाते हैं, मेरे पास था नहीं लेकिन अब लेकर आऊँगी। मुझे भी लग रहा है कि कुछ जो पीतल के बर्तन हैं वो पुराने हो गए हैं इसकी वजह से थोड़ा सा काले पड़ गए हैं, तो हो सकता है उससे अच्छे चमक जाएँ, और मैंने कभी पीताम्बरी से कभी बर्तन क्लीन नहीं करे तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बोल रहे हो तो ज़रूर ऐसे काम करता ही होगा वो। तो यहाँ पर जो भी कपड़े हैं उन्हें मैं झाड़ कर रख रही हूँ, जो पूजा का सामान है सब एक जगह कर रही हूँ, और जो फूल माला है मैंने कहते हैं डेकोरेशन में यूज़ करी थी वो, और जो भगवान को चढ़ाई थी वो सारी की सारी मैंने पॉलिथिन में रख ली हैं, और ये मैं बाद में क्यारी में डाल दूंगी या किसी प्लांट में डाल दूंगी, उससे क्या होगा थोड़े दिन बाद ये खाद बन जाएगा। और जो भोग का प्रसाद मैंने कान्हा जी को लगाया था वो मैंने अपने खाने में मिला लिया था, मतलब हमारा जो खाना बना हुआ था उसमें सारा वो प्रसाद हमने मिक्स कर लिया था। बहुत टाइम से मैं यही करने लगी हूँ, पहले तो गाय वगैरह ढूंढती भी थी लेकिन जब मैंने इतनी जगह बदली है ना तो हर जगह तो गाय नहीं मिलती है, तो उसमें फिर मैंने एक यही बात सीखी खाने को ऐसे रख कर वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उसको सही तरीके से यूज़ करो। वो कैसे कि आप जो भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद है उसे अपने खाने के साथ मिक्स कर लो, इससे आपको भी ब्लेसिंग मिलेंगी भगवान की, और इससे बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो पंडाल में जो फेरी लाइट लगाई थी ना वो कशिश के रूम की थी, कशिश के बेड के पीछे फेरी लाइट जो लगी रहती है वही अक्सर हम लोग डेकोरेशन में यूज़ कर लेते हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा नाराज़ भी होती है कि मेरी फेरी लाइट क्यों यूज़ करते हो आप लोग क्योंकि मेरे कहते हैं ड्रेसिंग टेबल पर भी फेरी लाइट लगी हुई है, लेकिन पता है वो बहुत टेढ़े मेढ़े तरीके से लगी हुई है, अगर मैं उन्हें हटाती हूँ तो मुझे उन्हें वापस लगाने में बहुत समय लगता है, जबकि कशिश के जो बेड की वाली है ना वो बहुत ही सिंपल तरीके से अरेंज है, तो हमेशा हम डेकोरेशन में उसी की लाइट उतरवाते हैं। तो अभी मेरे पास ना पूजा वाली चौकी नहीं है, मैं हर बार दिवाली जब लगाती हूँ तो चौक नीचे बनाकर देन उसके ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी रखती हूँ, लेकिन इस बार सोच रही हूँ कि मैं एक अच्छी सी चौकी लेकर आती हूँ पूजा की, उस पर दिवाली की पूजा करेंगे, अच्छा नहीं लगता ज़मीन पे करने में और उसी पे भी चौक बनाया जा सकता है, तो मैंने इस बार सोचा तो है देखो कितना हो पाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके मैं अपनी गृहस्थी जोड़ रही हूँ। ये छोटा सा जो पॉन्ड है ना ये हम लोगों ने दिल्ली आर्ट से लिया था लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पर, और काफ़ी बड़ा सा है ये, और पानी डाल दो तो इतना भारी हो जाता है पूछो मत, बिना पानी के भी ये बहुत भारी है। तो मेरे पास सामान ना इतना था नहीं पहले, एक्चुअली मैंने बहुत जगह चेंज करी है तो हमेशा सामान उतना खरीदा जितनी ज़रूरत थी, और फिर धीरे धीरे वो सामान भी पुराना होता चला गया तो सब ऐसे ही हो गया, और जब मैं बाहर रहती थी तब तो मैंने बिल्कुल ही काम वाला सामान ले रखा था और वो सामान भी मैं वहीं पर छोड़ कर आई थी। तो धीरे धीरे ही चीज़ें अरेंज हो पाती हैं, धीरे धीरे ही गृहस्थी जुड़ पाती है, एक दिन की गृहस्थी नहीं होती है, तिनका तिनका करके आप एक घर बनाते हो। यहाँ पर मेरे जितना भी डेकोरेशन का सामान होता है ना वो मैंने ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बना रखे हैं, उनमें डाल के रखती हूँ मैं। तो ये दिवाली के लिए बना रखा है जिसमें दिए हैं, लास्ट ईयर दिवाली जो बनाई थी वो हम लोगों ने मम्मी पापा के साथ बनाई थी मुरादाबाद में, और ये वाले दिए मैं नए खरीद के लाई थी तो यूज़ ही नहीं हो पाए, एक सेट मैं मम्मी पापा के लिए भी लेकर आई थी तो मुरादाबाद ले गई थी, तो ये वाले नए वाले दिए का सेट अभी भी रखा हुआ है मेरे पास।
और यहाँ पर देखिए कितने कपड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से मैंने कपड़े वॉश नहीं किए, इसी वजह से इतने कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। मैं फेस्टिवल के चक्कर में बिजी हो गई, तो मैंने भी छोड़ दिया कि नहीं, अब पहले फेस्टिवल निकल जाने दो जन्माष्टमी का, उसके बाद वॉशिंग का काम लूंगी। तो आज सारे के सारे जो ब्लैक कलर के कपड़े हैं वो वॉश करने वाली हूँ। पूरी मशीन भर गई थी आज ब्लैक कलर के कपड़ों से। मेरे घर में कुछ ब्लैक कलर के कपड़े पहने भी ज़्यादा जाते हैं, घर में सबको ही पसंद है। बहुत देर बाद मिल रही हूँ मैं आप लोगों को, तो आपको तो चेंज पता नहीं चल रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि बस अभी तो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दोपहर की मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करी फिर, तो बाकी तो मैंने आपके साथ शेयर कराई था। टेबल वगैरह क्लीन करने के बाद वही जो डेली के काम होते हैं वो सब खत्म करे। आफ्टरनून में वेजिटेबल पुलाव बनाया था, लंच में वो भी नहीं शेयर किया मैंने, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाया और बस लंच किया और मैं फिर थोड़ी देर लेट गई जाके। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ डिनर, और आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ स्टफ्ड टमाटो। आप में से कुछ लोग मांग भी रहते हैं मेरे से स्टफ्ड टमाटो की रेसिपी, मैंने पढ़ा था कमेंट कि कभी आपने स्टफ्ड टमाटो की रेसिपी नहीं शेयर करी, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं आज शेयर कर देते हैं। भरवा टमाटर की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 बड़े बड़े वाले टमाटर ले लिए हैं। यहाँ पर बड़े वाले ही टमाटर लीजिएगा क्योंकि स्टफिंग अच्छे से फिल हो पाएगी। फिर इसको अंदर जो इसका टमाटो का जो पल्प होता है उसे स्कूप आउट कर लिया है मैंने, और यहाँ पर एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसे फेंकना नहीं है, ये भी हमारी डिश में आगे चलकर काम आएगा। कहाँ काम आएगा वो मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर में। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए भी मैंने थोड़ी सी यहाँ पर तैयारी कर ली है। यहाँ पर लिया 100 से 150 ग्राम के करीब पनीर, जिसे ग्रेट कर लिया है। 3 से 4 आलू थे वो ग्रेट कर लिए, 2 हरी मिर्च ले ली है, लहसुन की कलियों को मैंने ग्रेट कर लिया था, ये 5 से 6 रही होंगी। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, और यहाँ पर 1 कटोरी के करीब मैंने ले ली है प्याज कटी हुई, बारीक काटी है मैंने यहाँ पर, और टमाटर हमारे ऑलरेडी कट हो ही चुके हैं, पल्प हमने निकाल कर साइड कर लिया है। अब बस कढ़ाई को गैस पर रखना है, बहुत ही जल्दी बनने वाली और बहुत ही टेस्टी काइंड ऑफ डिश है, जो कि आराम से तैयार हो जाती है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते। और इसकी जो स्टफिंग है ज़्यादातर पनीर भूंजी जैसे बनाते हो वैसी ही बनती है लगभग, बस आपको घी में थोड़ा जीरा डालना है, हरी मिर्च डाली, फिर लहसुन और अदरक, इसके बाद प्याज डाल दिए मैंने, और इसको भून लेना है अच्छे से। और जब प्याज भून जाएगी तब हम इसमें आलू और पनीर दोनों मिक्स कर देंगे, और फिर आलू और पनीर को भी अच्छे से भूनना है। उससे पहले हम इसके अंदर कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, मसाले बहुत ज़्यादा हमें ऐड नहीं करने, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और कम से कम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी हल्दी, थोड़ा गर्म मसाला, थोड़ा सा आपका चाट मसाला भी मैं ऐड कर रही हूँ, और नमक ऐड कर रही हूँ स्वाद के अनुसार। तो बस यही कुछ बेसिक मसाले ऐड करे हैं, और इसके साथ आप खूब सारा धनिया पत्ती भी ऐड कर सकते हो, और इसको धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए, और इसके बाद आपकी स्टफिंग जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। स्टफिंग को निकाल कर आप अलग कंटेनर में रख लीजिए और दूसरी तैयारियां आप कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये टमाटर जो है थोड़े से सॉफ्ट करने थे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला है और उसमें जो टमाटर है वो मैंने यहाँ पर डाल दिए पानी के साथ, हल्का सा पानी बस तली में डाला है उससे, और इसे ढक कर 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो इससे क्या होगा ना, जो टमाटर की आउटर लेयर है ना वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ऐसा होता है कि ना कभी कभी ये जो स्टफ टमाटो की सब्जी हम बनाते हैं उसमें जो बाहर की लेयर होती है ना वो इतनी सॉफ्ट नहीं हो पाती, तो यूज़ नहीं होती, लोग खाते नहीं हैं, अंदर की स्टफिंग ही खा लेते हैं। तो अगर आप इसे हल्का सा सॉफ्ट कर लोगे तो बाद में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से इन्हें सॉफ्ट करो, आप माइक्रोवेव में भी रख सकते हो 1 या 2 मिनट के लिए, लेकिन ध्यान रहे इनकी शेप नहीं बिगड़नी चाहिए, शेप जैसी है वैसे ही रहे, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है हमें। उसके बाद इसके अंदर अच्छे से स्टफिंग भर देनी है, दबा दबा कर अच्छे से स्टफिंग भर दीजिए। और अब तैयारी करेंगे हम ग्रेवी की। ग्रेवी तो और भी ज़्यादा आसान है बनानी, इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं है खास, तुरंत बन गई थी। तो ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डाला है थोड़ा, उसमें जीरा ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी,
नमक ये कुछ मसाले बस ऐड करे हैं। उसके बाद मसालों को अच्छे से भून लेना है। गैस को धीमी आंच पर ही रखना है क्योंकि हमने कोई प्याज वगैरह नहीं ऐड करी है। तो ऐसे टाइम पर जब आप मसाले डालते हो डायरेक्ट ऑयल में तो जलने का डर रहता है, तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गैस बहुत ज़्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, धीमी आंच पर ही आपको उस मसालों को पकाना है अच्छे से। और उसके बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल रही हूँ, आप चाहें तो उसकी जगह कद्दूकस करा हुआ भी फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मसालों को भून लीजिए। और उसके बाद मैं इसमें गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ टोमेटो प्योरे मैंने उसी से तैयार किया है जो कि हमारा टोमेटो का पल्प निकल कर बाहर आया था, जिसे मैंने कटोरी में रखा हुआ था उसी को मिक्सी में पीस के उसका प्योरे बना लिया, वो भी मसालों के साथ मिक्स कर दिया। और अब इसको अच्छे से भून लेना है, जब थोड़ा सा ऑयल सेपरेट आउट होने लगे उसके बाद वो स्टफिंग जो हमने टमाटर के अंदर भरी थी वो बच जाती है अक्सर, तो उस स्टफिंग को हमें अब इस मसाले के साथ मिक्स कर देनी है। तो बस उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, उसके बाद एक एक करके टमाटर इसमें शिफ्ट कर दीजिए। टमाटर बिल्कुल सीधे शिफ्ट करिएगा, टेढ़े मेढ़े या लेटे हुए इस टाइप के मत करिएगा, अदरवाइज स्टफिंग निकलने का थोड़ा डर सा रहता है। वैसे ज़्यादा बाहर नहीं आती है स्टफिंग, लेकिन फिर टमाटरों की शेप बिगड़ जाती है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि सीधे सीधे टमाटर इसके साथ ऐड कर दीजिए, वो स्टीम से ही अपने आप पक जाएंगे। वैसे भी हमने आउटर लेयर जो है ऑलरेडी सॉफ्ट कर ली है, तो हमें ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगने वाला, जल्दी ही हमारी जो सब्जी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। कितनी प्यारी लग रही है ना, खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट होती है गाइज़, ये ज़रूर बनाना आप, आपको बहुत पसंद आएगी, आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी। इसमें लास्ट में बस मैंने कसूरी मेथी ऐड करी थी। मैं अभी रोटी रेडी कर रही हूँ, इसी के साथ मैंने कहते हैं मिक्स दाल भी बनाई थी, क्योंकि ये लोग खाली सूखी सब्जी से नहीं खाना चाहते थे, तो मैंने दाल भी रेडी कर ली थी जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर मैं गार्निशिंग कर रही हूँ, गार्निशिंग करना आपकी चॉइस है, आप करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज स्किप कर दो। यहाँ पर थोड़ा सा पनीर को कद्दूकस करके रख लिया था मैंने, वो ऊपर से डाला है, थोड़ी सी क्रीम डाल दी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो यम्मी यम्मी स्टफ टमाटो की सब्जी बनकर तैयार है। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं एक डेली व्लॉगर हूँ और डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, तो मेरे कमेंट सेक्शन में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जैसे घर से रिलेटेड होते हैं कि मैंने ये ओवन कहाँ से लिया, ये माइक्रोवेव कहाँ से लिया, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्किन केयर या हेयर केयर से रिलेटेड होते हैं। तो स्किन केयर से भी रिलेटेड आप लोग काफी क्वेश्चंस मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हो कि कौन सा फेस वॉश हमारे चेहरे पर सूट करेगा, या कौन सी क्रीम हमारे लिए अच्छी है, किससे हमारे डार्क स्पॉट्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, चेहरा ग्लो करने लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी मेरे कमेंट सेक्शन में काफी पूछे जाते हैं। तो सबकी स्किन ना डिफरेंट टाइप होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की नॉर्मल होती है, किसी की ड्राई होती है, लेकिन मैं जो आपको प्रोडक्ट अभी दिखा रही हूँ ना गाइस, ये ऑल स्किन टाइप है। तो यहाँ पर मेरे पास है मामा अर्थ की विटामिन सी रेंज, जिसमें फेस वॉश भी है और क्या कहते हैं मॉर्निंग में लगाने के लिए एक क्रीम भी है जिसमें SPF 20 है और साथ में स्लीपिंग मास्क। तो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ उसके बारे में। सबसे पहले मैं फेस वॉश के बारे में बात करूंगी। पहले मैं पूरी रेंज के बारे में अगर बात करूं तो इन सब में विटामिन सी कॉमन है, और विटामिन सी एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन के लिए। जैसे कि विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा माना जाता है, उसी तरीके से विटामिन सी स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे स्किन ना आपकी ग्लो करती है लिटरली। तो सबसे पहले मैं मामा अर्थ के विटामिन सी फेस वॉश के बारे में बात करूंगी। इसमें विटामिन सी है और टर्मरिक है, दोनों ही स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, ये तो आप सभी को पता है ना। इसका येलो कलर का टेक्सचर है, फेस वॉश करने के बाद एकदम नीट लगने लगता है। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, पहले इससे फेस वॉश करती हूँ रात में सोने से पहले, और उसके बाद मैं ये स्लीपिंग मास्क लगाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो सेकंड है वो है मामा अर्थ का विटामिन सी स्लीपिंग मास्क। अब मास्क के नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये मास्क ऐसा है जिसे हमें लगाकर और फिर पानी से वॉश कर लेना है, ये ऐसा वाला मास्क नहीं है। ये बहुत ही लाइट वेट और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेल टाइप का कह सकते हो आप,
फेस मास्क है और इस मास्क को आप रात में लगाकर सो सकते हो और अगले दिन सुबह वॉश कर सकते हो। तो आपको पहले फेस वॉश करना है, उसके बाद ये मास्क अप्लाई करना है और आप जैसे रात में सोते हो उस तरीके से सोइए और उसके बाद सुबह उठकर अपना फेस वॉश कर लीजिए। तो ये ओवरनाइट वाला फेस मास्क है जिसे आप पूरी रात लगाकर सो सकते हैं, क्योंकि ये मास्क वाली टेक्सचर में नहीं है जो आपकी स्किन को एकदम ऐसे कर दे टाइट टाइट फील करे, एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसमें विटामिन सी और एलोवेरा है, एलोवेरा और विटामिन सी दोनों ही आपकी स्किन के लिए अच्छे होते हैं। और ये जो ब्रांड है ना, ये पेटा सर्टिफाइड है, ये क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट होते हैं तो हर तरीके से अच्छे हैं। और इसी के साथ मम्मा अर्थ के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं, पूरी तरीके से नेचुरल होते हैं, पैराबेन और सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट होते हैं। और जो लास्ट प्रोडक्ट है मेरे पास वो है मामा अर्थ का विटामिन सी फेस क्रीम, जिसमें विटामिन सी और SPF 20 है। तो आप इसे पूरा दिन घर में लगाकर रख सकते हो एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ क्रीम। बहुत लाइट वेट है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगता लगाने के बाद। और मैं दिन में इसे लगाकर भी रखती हूं। और एक दिन मैंने कोई ब्लॉग शूट किया था जब आप लोग बोल रहे थे आपकी स्किन बहुत शाइन कर रही है, तो मैंने उस टाइम सिर्फ यही क्रीम लगा रखी थी अपने चेहरे पर। दिन में मैं अक्सर यही क्रीम लगाती हूं, काफी अच्छे से वर्क करती है ये। और विटामिन सी जब आप अपने पूरे रूटीन में शामिल कर लेते हो, फेस वॉश वही यूज कर रहे हो, दिन की क्रीम भी आपकी वही है, मास्क भी आप वही लगा रहे हो, तो उसका जो ग्लो है वो आपके चेहरे पर धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से काम करता है। और मैं बता दूं, जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट हैं वो हर जगह मिल जाते हैं, अमेजोन, पर्पल, नायका और खुद मामा अर्थ की वेबसाइट पर। अगर आप मामा अर्थ से परचेज करते हो तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, जो कि मेरे सब्सक्राइबर जरूर यूज करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ वो की है IMS20, तो आप इसे लगाकर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। और गाइस, मामा अर्थ आपको पता ही है कि ये एक इंडियन ब्रांड है, तो वो कहते हैं ना वोकल फॉर लोकल, तो प्लीज सपोर्ट दिस ब्रांड। ओके, तो चलिए फिर। तो फ्रेंड्स, यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।